शासन को जनता के बीच ले जाने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा निकल रही है। मध्य प्रदेश में कुशासन खत्म होगा, सरकार की नाकामी जनता के बीच जाएगी, इसलिए सरकार घबराई हुई है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा की तारीफ की। भाजपा पर जमकर साधा निशाना। कमलेश्वर पटेल अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे थे, सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। भाजपा के कुशासन को जनता के बीच ले जाने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय निकल रही है। मध्य प्रदेश में कुशासन खत्म होगा, सरकार की नाकामी जनता के बीच जाएगी, इसलिए सरकार घबराई हुई है। सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि भाजपा के कुशासन को जनता को बताने के लिए राहुल गांधी की यह यात्रा है, कहा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल भोपाल से रीवा अल्प प्रवास में पहुंचे, जहां राजनिवास में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बेचैन है। राहुल गांधी की यात्रा भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जनता के बीच ला रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार भी कर रही है। देश की जनता को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का कुशासन खत्म हो रहा है, उसकी नाकामी जनता के बीच में जा रही है। यह यात्रा सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जात धर्म के नाम से एक दूसरों को लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसे जनता के बीच में ले जाने के लिए है। कमलेश्वर पटेल का साफ तौर से कहना था, लोकसभा विधानसभा नहीं चल रही, जिससे मजबूर होकर कांग्रेस अपनी बात जनता के बीच में ले जा रही है। कांग्रेस इस समय सड़कों पर है। भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकना, ना कि सत्ता में बैठकर शासन करना। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सुनिए पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से उप यात्राएं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आगे चल के मालवांचल में मिलने वाली है। यहाँ पर भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा था, जिस तरह से यात्रा बढ़ रही है, मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से इस यात्रा को किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में किसान हो, मजदूर हो, युवा, शिक्षित, बेरोजगार हो, हमारी माता बहन है, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो परेशान नहीं हो। अधिकारी कर्मचारी है, हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुशासन से। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा, इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ा ही है, पर मध्य प्रदेश की हम कह सकते हैं कि जनता में, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, बेरोजगार हो, चाहे वो हमारे छात्र लोग हों, हर किसी को उम्मीद जगी है कि मध्य प्रदेश का कुशासन खत्म होगा। और सच बात तो ये है कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो सरकार बनाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जिन्होंने बड़े बड़े वादे करके सरकार तो बना लिए थे, पर उन वादों से मुकर गए हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है, शैक्षणिक संस्थाओं की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ कर दिया है। आज तो हमारे देश की हिस्ट्री ही बदलने में लगे हुए हैं। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी जी ने भारत देश के लिए, भारत देश के नौजवानों के लिए, भारत देश की नई पीढ़ी के लिए आंदोलन शुरू किया है कि हमारा किसान अगर परेशान है, हमारा शिक्षित बेरोजगार परेशान है, कहाँ गए इनके वादे? अच्छे दिन तो आए नहीं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष बोले थे कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, काला धन लाके सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पर किसी भी विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कारगर नहीं साबित हुई है। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने देश की समस्याओं को देखते हुए
नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों की समस्याओं को देखते हुए राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि हम सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि संसद चलती नहीं है, संसद में किसी की बात कही नहीं जा सकती, विधानसभाएं चलती नहीं हैं, तो जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां सांसद विधायक जनता चुन के भेजती है कि हमारी आवाज़ को संसद में विधानसभा में हमारा जनप्रतिनिधि उठाएगा, सरकार का कान खड़ा करने का काम करेगा, सरकार को कटघरे में खड़ा करके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और न्याय दिलवाने का काम करेंगे, पर जब संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का जब काम शुरू हुआ तो राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि अब हमें देश के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाके बात करनी पड़ेगी, और उन्होंने वही काम किया है। चाहते तो राहुल गांधी जी जिस परिवार से है, उनके तीन पूर्वज देश के प्रधानमंत्री रहे और बहुत अच्छी पोजीशन में थे, उनके पास किसी भी प्रकार के संसाधन की कमी नहीं थी, पर उन्होंने जो त्याग और समर्पण हमारे भारत देश के नौजवानों के लिए, भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, हर जाति धर्म के लोगों के लिए जो उन्होंने त्याग और समर्पण दिखाया है, यही त्याग और समर्पण पूज्य महात्मा गांधी जी ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए किया था, और वही काम आज राहुल गांधी जी देश के लिए ये काम। देखिए इवेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए मुख्य लोग 18 साल से क्या कर रहे थे भाई, 17 साल से तीन ही की सरकार है ना, तो 17 साल से सो रहे थे, अब इवेंट करने की ज़रूरत है। जब उनको लगा कि हमारी सत्ता जाने वाली है, पहले भी सरकार तो चली गई थी, सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, जनता ने तो इनको खदेड़ दिया था, पर इन्होंने जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके संवैधानिक संस्थाओं की खिल्ली उड़ा के ये सरकार बनाई थी, और जनता को क्या मिला? कितनी तेजी से कमलनाथ जी प्रदेश की जनता के हित में काम कर रहे थे, किसानों की कर्ज माफी से लेके 1000 गौशाला बनाने से लेके इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 रुपये/100 यूनिट बिजली का प्रावधान किया था, 10 हॉर्स पावर तक बिजली का बिल आधा करने का किया था, ट्रांसफार्मर्स बदलने की नीति बनाई थी, आज गांव-गांव में ट्रांसफार्मर जले हुए, हजारों की संख्या में रीवा डिवीजन में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लोग परेशान हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 करने का काम किया था, आज गौशालाएं जो बनी थी वो जर्जर स्थिति में है, 4000 नवीन गौशालाएं बनाने की भी स्वीकृति दी थी, आवारा पशु से सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। तो अगर कमलनाथ जी होते तो हमारे बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार भी मिलता, 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ऐसी नीति कमलनाथ जी बनाने जा रहे थे। मैग्निफिसेंट MP जो इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करने का या उद्योग स्थापित हो उसके लिए इंदौर में कितना व्यवस्थित ढंग से हुआ था, और देश का कोई ऐसा उद्योगपति नहीं था कि जो उसमें शामिल नहीं हुआ। अब इनको तो जाके न्योता देना पड़ता है, इवेंट करते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। इन्होंने देश की शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश की पूरी तरह से चौपट कर दी है, स्कूल खाली पड़े हैं, कोविड में आपने देखा क्या स्थिति थी, लोग दवाई के अभाव में जाने चली गई, जिनकी डेथ हुई कोविड का सर्टिफिकेट है आज तक उनके खाते में राहत राशि नहीं मिली, और देने का तो प्रावधान 2 लाख का था, 4 लाख का था, देते देते 50,000 रुपये आ गए, वो भी नहीं मिला। तो देखिए इनकी सारी व्यवस्थाएं सिर्फ लूट खसोट मची हुई है, आयुष्मान कार्ड लेके चले जाए हॉस्पिटल्स में क्या दुर्दशा होती है मरीजों की, हमारे पास तो डेली कंप्लेंट्स आती है, एक ही काम चल रहा है, कौन सा जन अभियान सेवा पर चलाते हैं समझ में नहीं आता, पहले ग्राम उदय से भारत उदय चलाया था पिछली चुनाव के टाइम में, और इस बार अभी जन सेवा अभियान चल रहा है, कौन सी सेवा है, आवेदन पर आवेदन, अब तो गरीबों का विश्वास उठ गया, कोई आवेदन देने भी नहीं जा रहा है, कोई निराकरण नहीं होता। राजस्व के मामले में लूट खसोट मची हुई है, अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से कंट्रोल में इनके नहीं बचे हुए हैं, इसीलिए बेतुकी बातें करते हैं, इसीलिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप किसी को जमींदोज कर दोगे, कभी किसी के लिए कुछ बोलोगे, अरे दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, पर परिवार के लोग दोषी नहीं है, आप पूरे परिवार को कैसे आप नष्ट कर सकते हो, पूरे परिवार को सड़क पे कैसे ला सकते हो। तो ये जाति और धर्म के सिर्फ अब इनका आखिरी में देखा ना, यही चल रहा है, हमारे क्षेत्र में भी 2-3 घटनाएं घट गई, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दिया, पे हनुमान जी की मूर्ति गायब हो गई, ऐसी सीधी विधानसभा क्षेत्र में घटनाएं घटी है, तो इनके पास आखिरी में यही बचेगा और कुछ नहीं है। तो जाति और धर्म के नाम पे मंदिर हम बहुत बड़ा बना लें पर उससे गरीबों का, बेरोजगारों का पेट नहीं भरने वाला, ये जो वादे किए थे उन वादों पे चर्चा करें, उनको उस पे काम करें, वो तो इनको करना नहीं, आत्मनिर्भरता पे लाके छोड़ दिया है, अब तो स्टार्टअप इंडिया और पता नहीं क्या क्या बात होने लगी है, डिजिटल इंडिया की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी का पता है इंदौर में कौन सी, रीवा में कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई है,
हर जहां भी आते थे मैहर में घोषणा, मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मैहर में मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सिंगरौली को सिंगापुर बना देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आम आवाम को किसी भी प्रकार की सुविधा मिली स्थानीय लोगों को, बल्कि जो मिल रहा था वो भी छीनने का काम किया है। आज 5% GST सभी वस्तुओं पर लगा दिया, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची है कि जिसपे GST का 5% टैक्स नहीं देना पड़े। तो किसके खाते से जा रहा है? ये तो गरीब मजदूर किसान परेशान हो रहा है। कानून व्यवस्था की क्या बात? कानून मंत्री से, आप गृह मंत्री से गृह विभाग का कुछ मत पूछिए, कानून व्यवस्था पे बात नहीं करिए, बाकी सब बात करा लीजिए। जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग राहुल गांधी जी की यात्रा पे कमेंट्स करते साहब कि वहाँ पे केरल में क्रिश्चियन पादरियों से मिल के अब यहाँ आ रहे, कौन से धर्म के हैं, क्या है? राहुल गांधी जी आज इसीलिए तो निकले हैं, पहले संवैधानिक भारत के संविधान को ये लोग मानते कि नहीं मानते? भारत के संविधान में देश में रहने वाला किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उसको सारे मौलिक अधिकार प्राप्त है, और इसी को बचाने के लिए आज राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, और हम सब उनका स्वागत करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। हम सबसे निवेदन भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो कर ही रहे, तो बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे नई और ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।